पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया। आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। ये तो अभी खेल इन्होंने शुरू किया है, खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे, अंतिम बॉल पर छक्का मारेंगे तेजस्वी यादव जी। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता सब देख रही है और पाई पाई का हिसाब जनता मांगेगी। हमारे 15 महीने के क्रियाकलाप और कामों का हिसाब, इनके जितने दिनों के शासन एनडीए के रहे उस पल उसमें तराजू में हमारा 15 महीने का शासन काल भारी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और एनडीए की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। यही नीतीश कुमार थे जो साल भर पहले कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आखिर ऐसा क्या आप लोगों ने कर दिया कि वो मरने को तैयार हो गया और फिर बीजेपी? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया। और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं है और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। नुकसान तो आपको भी हुआ, सरकार में आप भी थे, आपकी भी सरकार चली गई। भाई देखिए, हमें सरकार सत्ता की नहीं, हमें जनता की चिंता है और 15 महीने में जो जनता के लिए काम किया, जो विश्वास तेजस्वी यादव जी ने जीता, हम अभी 78 पर हैं, हम 150-200 के पार जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमको मजबूर किया गया, आखिर क्यों आप लोग मजबूर किए कि फिर एक बार उधर चले? देखिए, कहने के लिए वो कुछ भी कहे लेकिन जनता, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक जनता के सामने सब लोगों को अपना हिसाब देना पड़ता है। पाई पाई का हिसाब आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। कल तक जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में महिलाओं का अपमान और क्या क्या नहीं कहा, और आज बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा कि सत्ता के लिए जो भूख है वो दिख रहा है। एक अयोध्या में भगवान राम आए हैं तो ये लोकतंत्र के अयोध्या में, अब लोकतंत्र में भी भगवान राम प्रकट होंगे और जीत भगवान राम कराएंगे। जो भगवान राम राज लाने के लिए 15 महीने में जिन्होंने दिखाया, रोजगार के नाम पर, चाहे हर मामले में जनता के लिए जो काम हुए, इनके पास कुछ बचा है? अब इनके साथ कौन रहना चाहता है? हम लोग नहीं गए थे दरवाजे पर, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस समय क्या कहा था? वो आए थे पैदल चलकर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के पास, और उन्होंने कहा था अब इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे 25 में। उन्होंने कहा था कि अब यही सब कुछ करेंगे। अब तो सब चीजों का जवाब हमारे तेजस्वी यादव जी देंगे, एक एक सवाल का जवाब दे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी। यही नीतीश कुमार है जब पिछले विधानसभा में जब उन्होंने कुछ असभ्य अमर्यादित टिप्पणी की थी तो आप लोग उनको डिफेंड कर रहे थे और बीजेपी वाले कह रहे थे कि मेंटली डिस्टर्ब है ये, तो आप कैसे उस समय तो आप डिफेंड कर रहे थे? हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए पूरा सम्मान दिया, हम लोगों ने गठबंधन चलाने का भरपूर प्रयास किया, हमारे नेता ने हर जगह कंप्रोमाइज किया, लेकिन ये नौकरी का वादा किसका था? कौन नौकरी दिया जब सरकार में आए? विज्ञापन कौन छपवा रहे थे? आज हम लोगों ने भी जवाब दिया है, अब जवाब इनको देना पड़ेगा। ये तो अभी खेल इन्होंने शुरू किया है, खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे। क्या आप लोग अभी उम्मीद लगा रखे हैं कि खेला करेंगे आप लोग? अरे खेला तो राजनीति में वो खेला होगा जो न कभी किसी ने सोचा होगा। अभी आगे आगे देखिए, अंतिम बॉल पर छक्का मारेंगे तेजस्वी यादव जी।